हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। सो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आज हमारा ये इसका लेक्चर नंबर 36 है, जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों कि हम लोग पानी के अंदर कंक्रीटिंग जो वर्क होता है वो कैसे करते हैं। अभी तक हमने सीख लिया था कि हम सर्दी के मौसम में कंक्रीटिंग कैसे करेंगे, यानी कि कंक्रीट से हम कोई भी चीज़ कैसे बनाएंगे, और गर्मी के मौसम में हम कंक्रीट से कोई भी चीज़ कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, और आज हम ये पढ़ेंगे कि पानी के अंदर अगर हमें कोई जो है वर्क करना है तो हम कंक्रीट को कैसे वहां पे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आज का ये हमारा टॉपिक रहने वाला है, आप ये हेडिंग लगा लेंगे, जल के भीतर कंक्रीटिंग, यानी कि अंडर वाटर कंक्रीटिंग, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो चैप्टर है दोस्तों आपका स्पेशल कंक्रीट, और ये चैप्टर नंबर ये चैप्टर नंबर आपका 7 है, फिर ये फिनिश हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है आपका आज का इस चैप्टर नंबर 7 का, ये भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, यानी कि 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जानने की ये ज़रूरत है कि हमें ऐसी कहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है जहाँ पे हमें पानी के अंदर काम करना पड़े कंक्रीट से। तो आप लोग सभी जानते हैं कि जैसे हमने कभी कोई पुल बनाया किसी रिवर पे, हमने मान लो कोई पुल बनाया, ठीक है। क्या बनाया दोस्तों? हमने कोई पुल बनाया, आप सभी लोग जानते हो। सपोज़ ये कोई पुल बना है, ठीक है, ये किसके अंदर बना है? ये बना है किसी रिवर पे, किसी नदी पे ये पुल बना है, ठीक है। ये पुल बना है, इस पे गाड़ियाँ वगैरह आपकी चलेंगी, ठीक है। तो कभी ना कभी दोस्तों ऐसा तो हो ही सकता है कि जो ये फाउंडेशन हमने इनकी दी होगी, नीचे इनकी फाउंडेशन तो दी ही हमने, तो ये फाउंडेशन ऐसा थोड़ी ना है कि लाइफ टाइम के लिए ही है, मतलब कि ये जीवन में कभी ख़राबी नहीं होगी। तो कभी ना कभी ऐसा टाइम तो आ सकता है कि ये चीज़ ख़राब हो जाए। अब देखिए, इसमें पानी भरा हुआ है नदी का, ये भी आपको ध्यान रखना, ये पानी के अंदर की बात चल रही है। तो ये कभी ना कभी तो वीक हो सकती है, कभी ना कभी तो कमज़ोर होंगी, तो इनकी रिपेयरिंग हमें करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो इनकी रिपेयरिंग हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो इसी को हम बोल सकते हैं कि अंडर वाटर कंक्रीटिंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि कहीं रिवर खाली तो नहीं करनी पड़ेगी, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता कि रिवर सूखने का इंतज़ार करना है या फिर अन्य दूसरी चीज़ें, ठीक है ना, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहेगा। और देखिए, रिवर को सूखने में भी बहुत टाइम लगेगा, तब तक ये जो ट्रैफिक जा रहा है ऊपर, ये सारा का सारा बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ हमारे पास उपाय हैं, कुछ विधियाँ हैं हमारी, जिसके थ्रू आउट हम क्या कर सकते हैं, पानी के अंदर क्या कर सकते हैं, कॉन्क्रीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड हमारे हो सकते हैं जिसमें हमें पानी के अंदर जो है कॉन्क्रीट वर्क करना पड़े? तो सबसे जो प्रमुख विधि है आपकी वो है ट्रेमी के द्वारा जो है हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं पानी के अंदर, ठीक है। ये एक यंत्र है आपका जिसका नाम ट्रेमी होता है। क्या होता है ट्रेमी? इसकी हेल्प से अगर हमें पानी के अंदर कंक्रीटिंग करनी है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके का होता है, देखने में कैसा होता है, इसको यूज़ कैसे किया जाता है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये पिछली बार अभी आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि पानी के अंदर जो कंक्रीटिंग है वो हम ट्रेमी के द्वारा किस तरीके से करेंगे, इसका वर्णन कीजिएगा। तो ये आपके एग्जाम में आया भी हुआ था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए ये शुरू करते हैं, ठीक है। और भी मेथड है, वो भी हम आपको बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा जो ट्रेमी रहेगा उसके द्वारा हम पानी के अंदर कंक्रीटिंग कैसे करेंगे। तो ट्रेमी देखने में कुछ इस तरीके का लगता है, आप देख सकते हो, ये एक बेलनाकार पाइप के जैसा रहेगा, ठीक है। पाइप काफ़ी लेंथ का रहता है आपका, और इसका जो डाया रहता है पाइप का, वो आपके सामने नोट है। ये 20 से 30 सेंटीमीटर डाया का एक पाइप होता है, ठीक है, बेलनाकार। और इसका जो ऊपर का सिरा है और नीचे का सिरा है, दोनों खुले हुए होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर वाला सिरा है वो एक हॉपर के जैसा रहता है, ठीक है, खुला हुआ एकदम ऐसे। और जो नीचे का सिरा खुला होता है उसमें नीचे वॉल्व लगे होते हैं जो कि खुलते हैं बंद होते हैं। ये आपका यहाँ पर सिस्टम लगा रहता है ऑटोमेटिक, ठीक है। अब कैसे काम करेगा बताएंगे। नीचे वॉल्व लगे होते हैं, ऊपर का सिरा हॉपर जैसा रहता है, ठीक है। और अब हम करते क्या है कि जहाँ पर हमें कंक्रीटिंग वर्क करना है, जो फाउंडेशन हमारे नीचे कमज़ोर हो चुकी है, या जो चीज़ हम करेंगे क्या कि इस हॉपर को उस पानी के अंदर डिप कर देंगे, ठीक है। सपोज यहाँ तक पानी हमारा भरा हुआ है, हमने क्या करा, इस हॉपर को, इस ट्रेमी को जो है हमने उस पानी के अंदर इसको डिप कर दिया, डुबा दिया, ठीक है। अब हमें इस जगह पे कंक्रीटिंग मान लो करनी है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी बनी हुई कंक्रीट होगी वो हम इस हॉपर में यहाँ से डालेंगे, ठीक है। जो हमारी कंक्रीट रहेगी उसको हम यहाँ से डालेंगे, तो जो कंक्रीट होगी हमारी वो यहाँ से क्या होगी, यहाँ पे आएगी, और इस कंक्रीट के प्रेशर से जो हमारे वॉल्व होते हैं ये खुल जाएंगे। खुलने के बाद हमारी कंक्रीट यहाँ पे इस तरीके से गिरना शुरू हो जाएगी, यानी कि फैलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से फैलेगी, फैलती जाएगी कुछ इस तरीके से, और इस
ट्रेमी का जो ये बेलनाकार पाइप होता है ये भी थोड़ा बहुत इसमें बंद हो जाएगा कंक्रीट में, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ भाग इसका कंक्रीट के अंदर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से कंक्रीट हमारी फैलती जाएगी और हम कंक्रीट लाते जाएंगे और फैलती जाएगी, फिर हम क्या करेंगे धीरे धीरे इस पाइप को ऊपर उठाना शुरू करेंगे। धीरे धीरे थोड़ा और उठाएंगे ऊपर तो कंक्रीट और फैलेगी, थोड़ा और उठाएंगे ऊपर तो कंक्रीट और फैलेगी। बट एक फैक्टर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपके हॉपर का जो ये पाइप होता है, सॉरी आपके ट्रेमी का जो ये पाइप होता है वो कंक्रीट से टोटली बाहर नहीं आना चाहिए। मतलब जो कंक्रीट का नीचे ढेर लग गया है उससे ये पाइप कभी भी आपका पूरा का पूरा ऊपर ना रहे। मतलब जैसे ये मान लो पाइप है, ये मेरा पैन पाइप है, तो थोड़ा बहुत हिस्सा जो रहना चाहिए वो कंक्रीट के अंदर ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको कंक्रीट से बाहर निकाल लोगे तो जो पानी होगा वो इसमें एंटर कर जाएगा। हालांकि ये वैसे भी जो ये बल्ब लगे होते हैं ये ऊपर से प्रेशर लगने पे तो खुलते हैं, नीचे से प्रेशर लगने पर ये बंद होते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत पानी एंटर कर ही जाएगा, तो इससे बचने के लिए हमको ध्यान रखना होता है कि ये जो आपका ट्रेमिंग का नीचे का जो बेलनाकार पाइप है ये थोड़ा बहुत आपका कंक्रीट के अंदर घुसा रहे, ठीक है, ये ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है वर्क आपका करता है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं हम लोग कंक्रीटिंग करने में पानी के अंदर। तो इसका जो शेप है एक बेलनाकार पाइप के जैसा है, जिसका डाया इतना होता है, ये ऊपर से देखने पे हॉपर जैसा रहेगा, नीचे जो सिरा रहेगा उस पे बल्ब लगे होते हैं, ठीक है ना, जो कि ऊपर से आने वाली कंक्रीट को क्या करते हैं प्रेशर लगने पे खुल जाते हैं और नीचे से पानी का प्रेशर लगने पर ये बंद हो जाते हैं, यानी पानी को अंदर ही नहीं आने देंगे, ठीक है। और जब काम किया जाता है तो हम कंक्रीट को यहाँ से डालते हैं, कंक्रीट हॉपर से जाती हुई नीचे पहुँचेगी, बल्ब पे प्रेशर लगाएगी और इस तरीके से ये नीचे क्या करेगी फैलती जाएगी, ठीक है। आवश्यकता अनुसार हम कंक्रीट डालते जाएंगे, धीरे धीरे इस पाइप को ऊपर उठाते जाएंगे तो कंक्रीट और फैलती जाएगी और आप जो वर्क करना चाहते हो वो आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो आसानी से। तो इस तरीके का यूज़ होता है आपका ट्रेमिंग का। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यही दोस्तों आपको अपने जो है कॉपी में नोट कर लेना है, देखिए, और अपनी बुक की आप हेल्प ले सकते हो अगर लेनी हो तो। मैं एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ी थ्योरी बोल देता हूँ क्योंकि मैंने इसकी थ्योरी नहीं लिख रखी है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि हम ट्रेमिंग के द्वारा पानी के अंदर कंक्रीटिंग वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं थ्योरी बोल देता हूँ, प्लीज़ करके नोट कर लें जिन्हें प्रॉब्लम हो, अदरवाइज आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बुक की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। तो लिखिएगा कि जो ट्रेमी होता है वो एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग पानी के अंदर कंक्रीटिंग करने में किया जाता है, ठीक है। यह देखने में एक बेलनाकार पाइप होता है जिसका व्यास 20 से 30 सेंटीमीटर होता है। इसका ऊपरी सिरा एक हॉपर के जैसा होता है, ठीक है ना, और जो नीचे का सिरा होता है उसमें दो बल्ब लगे होते हैं, ठीक है, ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। इसके बाद जिस जगह पे हमको कंक्रीटिंग करनी होती है वहाँ पे हम इस ट्रेमी को पानी के अंदर डुबा देंगे। इसके बाद इसका जो ऊपरी सिरा होता है, ठीक है, यानी कि हॉपर, उसमें से कंक्रीट को डालते हैं। कंक्रीट इस बेलनाकार पाइप से होते हुए, ठीक है, उस जगह पर पहुंच जाएगी और जाते टाइम ये जो रास्ते में बल्ब पड़ते हैं उस पर कंक्रीट प्रेशर लगाएगी जिससे ये बल्ब खुल जाएंगे और कंक्रीट आपकी वहाँ तक पहुँच दी जाएगी, ठीक है। आवश्यकता अनुसार कंक्रीट को हम डालते जाएंगे और ध्यान रखेंगे कि धीरे धीरे हमको इस पाइप को ऊपर भी उठाते जाना है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आपका पाइप है ये कंक्रीट में थोड़ा बहुत दबा रहे, पूरा टोटली ऊपर ना उठे, ठीक है। तो इस तरीके से कंक्रीटिंग वर्क ट्रेमी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आई होप सभी लोगों ने इतना लिख लिया होगा। तो ये थी पहली विधि कि हम ट्रेमिंग के द्वारा कैसे कंक्रीटिंग वर्क करते हैं पानी के अंदर, ठीक है। चलिए अब दूसरी विधि क्या है आपकी दोस्तों, दूसरी विधि है कुछ बक्से भी हम यूज़ करते हैं कंक्रीटिंग करने के लिए पानी के अंदर। तो चलिए उन बक्सों के बारे में हम समझते हैं कि उनसे हम कंक्रीटिंग वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए तो दूसरी विधि होती है दोस्तों तली से खुलने वाले बक्सों के द्वारा, ठीक है। यानी कुछ ऐसे हम बॉक्स यूज करते हैं जो नीचे से खुल सकते हैं, ठीक है ना, ये कुछ बॉक्स ऐसे रहेंगे जो कि नीचे से खुल सकते हैं। तो इनका यूज़ हम कैसे करेंगे, तो देखिए जहाँ पे हमें सबसे पहले तो कंक्रीट यूज़ करनी है उस जगह का हम चयन करेंगे पानी के अंदर, और फिर क्या करेंगे ये जो बक्से होते हैं इनमें हम ऊपर से भर देते हैं कंक्रीट, क्या भर देते हैं कंक्रीट, इनके अंदर कंक्रीट फिल कर देंगे और इनको एक रस्सी की सहायता से बांध करके उस जगह पे ले जाएंगे, ठीक है ना। और एक ऐसा सिस्टम होता है इस नीचे वाले
ये जो पल्ला आपका है एक, ठीक है, यहाँ पे एक पल्ला आप देख सकते हो। इससे एक इस तरीके से हम अरेंज इसको करते हैं कि जैसे ही रस्सी को खींचा जाता है ये पल्ला आपका क्या होता है, इसमें पहले तो बंद होगा और फिर ये खुल जाएगा इस तरीके से, इस डायरेक्शन में खुलेगा। जब खुलेगा तो अंदर जो भरी हुई कॉन्क्रीट है आपकी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी इस तरीके से, ठीक है, और जिस जगह पे आपको लगनी है वहाँ पे ये पहुँच जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारे बक्से हम इसी तरीके से डिप करेंगे और क्या करेंगे, वहाँ पे कॉन्क्रीट ही कॉन्क्रीट हम अपने डाल लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका यूज होता है। और भी तीसरी विधि है कि जो हमारे बोरे होते हैं उनमें भर करके हम लोग क्या करते हैं, कॉन्क्रीट को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ दोस्तों हम खास करके बहते हुए पानी में करते हैं, ठीक है। जब हमको कोई बॉल वगैरह खड़ी करनी है तो हम क्या करेंगे कि जो बहता हुआ पानी है इस तरीके से, ये मान लो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम बोरों में कंक्रीट को भर लेंगे। भरने के बाद बोरों को इस तरीके से रखते जाएंगे, ये एक पहला रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से रखते जाएंगे, इसके ऊपर फिर रखते जाएंगे ऐसे। तो इस तरीके से एक बॉल खड़ी हो जाती है और काफ़ी टाइम बाद ये सेट हो जाती है, ठीक है। ये हार्ड हो जाएगी तो ये एक दीवार का रूप ले लेती है। तो इस तरीके से हम बोरों में भर करके भी पानी में कंक्रीट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि और भी ग्राउटिंग मेथड भी होती है तो वो भी आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो से तीन मेथड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। पहला जो मेथड मैंने ट्रेमी द्वारा बताया वो आपको खास करके अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। अगर पानी के अंदर कॉन्क्रीटिंग के लिए आएगा तो ट्रेमी आपका ज़रूर आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ट्रेमी के अंदर जो है हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है, जब कॉन्क्रीटिंग हम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर है दोस्तों यहीं पे फिनिश करते हैं हम लोग, और लेक्चर कैसा लगा ये बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।